अगर मोदी जी कल राहुल जी के साथ हिंदू धर्म पर डिबेट करें, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 20 मई को 6ठे चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुस्सा फूटा है। चुनावी व्यस्तताओं के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत की और कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं दावा करती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल जी पर मीडिया से लेकर भाजपा के नेताओं ने इतना आक्रमण किया, इतने अपशब्द बोले और इतनी गलत गलत धारणाएं फैलाई, फिर भी राहुल जी खड़े हैं, फिर भी राहुल जी में इतनी हिम्मत है कि वे झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इन्होंने घर से निकाला, संसद से निकाला, तमाम मुकदमे लगाए, एक गुजरात में, महाराष्ट्र में, ताकि मुकदमों में हाजिर होने के लिए दौड़ते रहें, लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं। पूरा देश समझ रहा है कि ये आदमी सच बोलेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं झुकेगा। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल पर प्रियंका गांधी कहती हैं, क्यों नहीं बन सकते, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी राहुल जी के साथ हिंदू धर्म पर डिबेट करें, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि राहुल जी के सामने वे बोल नहीं पाएंगे। वे इतना जानते हैं, उनको इतनी जानकारी है और इतनी गहराई में चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये तय किया गया कि इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो खुद सब बैठकर तय करेंगे, जिसको भी चुने हम समर्थन देंगे। प्रियंका गांधी से पूछा गया, बीजेपी कह रही है 400 पार, आपका आंकड़ा क्या है, क्या आपको लगता है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी फ्रंट फुट पर है और आप बैक फुट पर? जवाब में उन्होंने कहा, हम बिल्कुल बैकफुट पर नहीं हैं, बैकफुट पर तो मोदी जी हैं, जो खुद अपने प्रचार का खंडन कर रहे हैं। हम बैकफुट पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं। हम लगातार यही कह रहे हैं कि मोदी जी मुद्दे पर आइए और आप मुद्दे पर नहीं आ पा रहे हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक नजर आईं प्रियंका गांधी। बता दें कि 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है और उसके बाद 25 मई और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे।